वेलकम टू माय चैनल गाइस। गाइस इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। करना क्या है देखिए गाइस, आपको मैं बताता हूँ। मतलब जब भी आप पानी गर्म करती हो तो उसमें जब भी आप नमक डाल देते क्या, तो नमक जो होता है गल जाता है, यानी कि मेल्ट हो जाता है। और तो गलने के बाद क्या होता है, उस पानी में मिक्स हो जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वीडियो का टॉपिक तो सेम ही रहेगा, उसी पर टॉपिक रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, उसमें नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद क्या होगा, नमक तो गल जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे पानी को पूरा, मतलब कि इतना गर्म करना, पानी को इतना गर्म करना कि पानी वहाँ से पूरा ख़त्म हो जाए, यानी पूरा एवापोरेट में पूरा ख़त्म हो जाए। और उसी कंटेनर में, यानी उसी कंटेनर में क्या नमक देखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है, इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में किया जाएगा। देखते हैं गाइस नमक बचता है कि नहीं बचता। तो इसके लिए हमें मतलब कि नमक का ज़रूरत पड़ेगा। और गाइस बर्तन इसका ज़रूरत पड़ेगा, और आपका भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हीट तो करना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्नेस भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, पानी डालने के बाद क्या करेंगे, नमक डालते हैं। और नमक डालने के बाद देखते हैं उसको गला कर फिर इसको वापस करने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। जो भी चैनल पर नए हो या प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ आप बेल आइकन को प्लीज़ दबा भी दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस। करना क्या है इसमें, अभी से हम लोग पानी डालते हैं। गाइस आप देख सकते हो काफी गर्म है। एवापोरेट भी करा। अब हम इसमें क्या करेंगे, नमक इसमें डालते हैं। तो गाइस फटाफट डालते हैं इसमें, ये सब पूरा डाल देते हैं और देखते हैं कितना लास्ट में रिमेन होता है कि नहीं होता है। और इसको पूरा इसको गलाते हैं फटाफट। आप देख सकते हो यहाँ पे जो मुदाला, और यहाँ पे आप देख सकते हो आई होप एवापोरेट हो रहा है, हीट हो रहा है। और इसके बाद नमक भी आया, नमक का जो पार्टिकल्स है आपको देखने के लिए थोड़ा मिला होगा, व्हाइट व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, यही नंबर का पार्टिकल्स है गाइस। ओके गाइस आप देख सकते हो पानी का सिर्फ रिमेन सिर्फ इतना ही बचा हुआ, देखिए गाइस। और जो साइड में आप जो देख रहे हो सफेद सफेद लगता है गाइस, यही है नमक है। देखिए गाइस पहले तो गला हुआ था, पर आप और कुछ कुछ पार्टिकल्स उड़ भी रहा है, आपको कैमरा में दिख रहा होगा, यहाँ पे भी इस कॉर्नर में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है गाइस, इधर भी है। देखिए गाइस ये सब नमक ही है गाइस, देखिए देखिए गाइस ये सब नमक ही है गाइस। जितना भी जो व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस जो देख रहे हो आप साइड साइड में, सब पूरा नमक का पार्टिकल्स ही है। अब देखिए गाइस इसका वेट करते हैं कितना क्वांटिटी यहाँ पे देखने के लिए हमें मिलता है और नमक। देखिए गाइस फाइनली गाइस पूरा पानी जो है पूरा एवापोरेट, यानी कि हीट के कारण पूरा गायब हो गया। देखिए गाइस मतलब यानी अब सिर्फ क्या बचा हुआ है यहाँ पे, देखिए गाइस ओनली नमक बचा हुआ है। देखिए गाइस और कुछ पार्टिकल्स उड़ भी रहा है। देखिए गाइस आपको देखने कैमरा में देखने में मिल रहा होगा। देखिए गाइस इसको उतारते हैं फटाफट, और देखिए इसको उतारते हैं नीचे करते हैं। गाइस आप देख सकते हो कुछ नमक का, देखिए ये सब पूरा नमक का पार्टिकल इस टाइप का है, कुछ नमक टाइप का ही है, नमक ही है पर पूरा पाउडर फॉर्म में बन चुका है ये एज कम्पेयर टू। तो गाइस वीडियो में था आपको मैंने बता दिया, जब आप पानी को गर्म करते हो और उसमें नमक जब डालते हो, नमक गलने का बाद भी है, और फिर जब पानी को जब कंटिन्यूस हीट करते हो और जब पानी एवापोरेट होता है, यानी पानी वहाँ से जब गायब होता है, तो वहाँ पर नमक रिमेन होता है, यानी नमक देखने के लिए हमें मिलता है। सिर्फ इतना ही था, और आई होप आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो आपको तो वीडियो के लिए आप प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसा अमेजिंग एक्सपेरिमेंट देखने के लिए। और बेल आइकन को प्लीज़ आप दबा दीजिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।